वही गोंडा से बड़ी खबर, कुआनो नदी में 3 बच्चे डूबे। आपको बता दें गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, नदी में नहाने के लिए गए थे 4 बच्चे, 3 बच्चे डूबे, नहाते वक्त 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे नहाते के गए थे, एक बच्चे ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 बच्चे पानी में डूब गए। दानेपुर और उतरोल इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए अर्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्षद, आखिर ये बच्चे नहाने के लिए गए थे, क्या इनके साथ इनके परिजन भी गए थे? जी बिल्कुल, बता दिए, मामला धानेपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ ये 3 4 बच्चे गए हुए नहाने के लिए, अकेले ही गए हुए थे। और जाने के बाद जो तेज बहाव, इस समय बहाव की वजह से 3 4 बच्चे डूबे, लेकिन जिसमें से एक बच्चा तो किसी तरीके से तैर के निकल गया, लेकिन 3 बच्चों की डूब के मौके पे ही मौत हो गई। क्योंकि ये उतरौला और धानेपुर सीमा का मामला था, जैसे उस पुलिस वहां प्रभारी पहुंचकर और 3 बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और 1 बच्चे की हालत गंभीर थी, उसको अस्पताल एडमिट किया गया है। जी, इसके बाद जानकारी कैसे लगी कि ये बच्चे वहां पर गए हैं, उसके बाद बच्चे घर पर नहीं लौटे? आपको बता दें कि लापरवाही किसकी मानी जा सकती है, परिजनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर वहां पर नहाने के लिए और बच्चे भी गए थे, उनके साथ ही बच्चे गए थे? नहीं बिल्कुल, वहाँ सूत्रों के माने तो बताया जा रहा है कि ये बच्चे कजरी तीज के उपलक्ष्य में जो त्योहार चल रहा है, इसमें ये पानी भरने के लिए वहां से गए हुए थे और जाने पे काफी बच्चे वहां थे, जिसमें से ये 4 बच्चे काफी गहरे पानी में चले गए और बहाव में डूब गए 4, जिसमें से एक बच्चा तो फिलहाल निकल आया है और उसकी हालत भी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बाद में पुलिस ने 2